पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में राम मंदिर, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, यूक्रेन रूस जंग और भारत के विकास के रोडमैप जैसे मुद्दे पर बात की। निष्पक्ष चुनाव के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कभी ये लोग ईवीएम का बहाना निकालेंगे तो कभी कुछ और। मोदी ने कहा कि राम मंदिर विपक्ष के लिए राजनीतिक हथियार था। राम मंदिर बनने के बाद उनके हाथ से मुद्दा निकल गया है। सुनिए प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। वो कह रहे हैं लड़े कैसे आप, या तो ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं या फिर अगर वो आपकी पार्टी में आ गए तो सारे पाप धुल गए। कितने ऑपोजिशन लीडर जेल में है कोई मुझे बता, और क्या यही ऑपोजिशन लीडर उनके सरकार चलाते या जेल का डर है? डर तो पाप का होता है जी, ईमानदार को क्या डर होता है। मेरे यहां भी तो उन्होंने मेरे होम मिनिस्टर सबको जेल में डाल दिया था।